इमरान, अभी एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट किया तुमने। हाँ जी, फिल्म है, क्या है वो? वो फिल्म है और वो पहली एक फिल्म है, क्या है? नहीं, वो फिल्म है और वो पहली पंजाबी फिल्म है शायद, जिसमें पहली दफा उन्होंने पाकिस्तान से किसी को लीड एक्टर के तौर पे लिया, और अल्लाह करे पाकिस्तान में रिलीज हो जाए। अभी भी वो हाँ नहीं के बीच में ही है, बट अनदर वेरी बिग लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म्स इंटरनेशनली, उस पर तो रिलीज हो ही रही है वो। तो आप देखेंगे तो आपको आइडिया होगा कि वो एक कन्वेंशनल पंजाबी फिल्म नहीं थी। मेरे लिए तो बहुत मुश्किल था इसलिए कि मैं पंजाब, मेरी पंजाबी अच्छी नहीं थी उससे पहले, लेकिन मैंने उसकी क्लासेस ली और मेरे जो टीचर थे वो चंडीगढ़ में थे और उन्होंने इरफान खान को भी ट्रेन किया था उनकी फिल्म किस्सा पंजाब के लिए। तो पंजाबी में बात करूंगा। तो कैसे ट्रेनिंग कैसे होती है? ऑनलाइन, मतलब मेरी वर्चुअल क्लासेस होती थी, मेरे साथ वो होते थे, मेरा डायरेक्टर होता था। कैसे बताते थे? क्लास में क्या होता था? कोई जैसे कुछ बताओ ना, बोलो। अब एक ऐसे बोलो, पंजाबी में बोलो। वो कैसे बताते थे और तुम्हें भी क्या करना पड़ता था क्लास का? मतलब स्टार्ट टू फिनिश हमें, मैनू यही प्रेशर होता सी कि जेरा भी लव्स मैं बोला वो पंजाबी च हो। लेकिन मुझे पंजाबी हमेशा से पसंद बहुत थी इजाज भाई। मैं स्टार्ट टू फिनिश मेरे ते अभी प्रेशर होता सी कि जेड़ा भी लफ्ज मैं बोला वो पंजाबी च हो। ते मैनू पंजाबी चंगी भी बड़ी लगती है क्योंकि मैं इस्लामाबाद च पला बड़ा, ते एनसीए तो मेरी तालीम है। कैसा लग रहा गल है वे पायन गल है कि तुसी ते हुन होर भी हैंडसम लग रहे हो, ते बड़ा मसला उठ जाए। लेकिन पंजाबी में जो जो एक वो है ना एक्सप्रेशन है, चाहे आप हीर वारिस शाह पढ़ लें या शिव कुमार बटालवी का कलाम पढ़ लें, या हम तो पंजाबी गाने सुनते सुनते भी नुसरत अली खान के और मैडम नूर जहाँ के, जो एक्सप्रेशन पंजाबी में निकल के आता है ना वो बहुत जगह पे उर्दू में, कॉमेडी और बहुत जगह पे जो अंदर के हमारे जज्बात गुस्से में जो निकलते हैं उसके लिए मुझे पंजाबी में प्रॉपर अल्फाज हैं वो उर्दू में। तो आप, मैं लखनऊ में भी फिल्म करके आ चुका हूँ लेकिन लखनऊ वहाँ बड़े अदब अदब, आपके साथ गाड़ी भी मारो तो वहाँ बहुत क्या कर दिया आपने, तो डिक्शनरी अलग है। तो अभी डबिंग हो गई इसकी, फिल्म रिलीज भी हो गई। रिलीज हो गई भाई, पाकिस्तान में रिलीज हुई, सबने देख लिया, सब आए, हमने ये मसला है। तो ये हम कहाँ देखें, लेकिन प्रोमोस बहुत अच्छे, अभी आप देख लेंगे इंशाल्लाह एक प्लेटफॉर्म पे जो आपके सबके घरों में होता Amazon है। उसमें हीरोइन भी डिफरेंट लुकिंग है उसका, जो है ना उसका तो यौनर, उसका आपको लगेगा ही नहीं कि आप कोई पंजाबी फिल्म देख रहे हैं। इट्स अ कंप्लीट कंटेम्पररी, जिस तरह बॉलीवुड फिल्म्स होती हैं। म्यूजिक वॉज एक्सलेंट, द ट्रीटमेंट, द स्टोरी लाइन, एवरीथिंग वॉज, इट्स जस्ट वन ऑफ माई फाइनेस्ट वर्क्स। मैं, व्हाट अबाउट पाकिस्तान, यहाँ की फिल्म में काम क्यों नहीं कर रहे? यहाँ की फिल्म में मुझे ऑफर्स बहुत सारी हुई हैं, नाम के साथ मैं आपको बता सकता हूँ लेकिन वो थोड़ा सा उन एक्टर्स के लिए ऑफेंसिव हो जाएगा जिन जो काम करते हैं, बट पता नहीं अभी तक तो ऐसे बात नहीं बनी। पता नहीं, बहुत बात ना बनने की बहुत सारी बातें होती हैं पीछे। कभी आपको स्क्रिप्ट समझ में नहीं आता, कभी पैसे समझ में नहीं आते, कभी उनको डेट समझ में नहीं आती, कभी उनको मैं समझ में नहीं आता। तो शायद उनके हिसाब से मैं फिल्म मटेरियल नहीं हूँ। वहाँ कैसे कास्ट? वहाँ के हिसाब से होगा, इंडिया के हिसाब से जो धड़ाधड़ फिल्में ऑफर करते रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान में हमारे मैं आपको पता है लेकिन वहाँ कैसे कास्टिंग हुई ये वाली फिल्म के भी, और वैसे भी तुमने इंडिया भी ठीक था, पैसे भी अच्छे थे, लेकिन ऑफर कैसे? अब मुझे तो शुरू से, जब से मैं ड्रामे कर रहा था, आपको तो मेरे, आप तो बहुत शुरू से मेरे साथ हैं, तो उस वक्त तो ये शायद इंटरनेट का ज़माना भी नहीं था, यूट्यूब का ज़माना भी नहीं था, उस वक्त से मुझे ऑफर्स हो रही थी। पहली फिल्म मुझे जो तीन फिल्मों की जो सबसे पहले ऑफर हुई थी वो राजकुमार संतोषी की तरफ से हुई थी, जिसका कॉन्ट्रैक्ट मैंने साइन किया था। फिर संजय लीला भंसाली की तरफ से गुजारिश, रामलीला, ये सारी वहाँ जो ऑफिशियली, मतलब ये नहीं है कि ऐसी बस। फिर आशिकी 2 तो सबको ही पता है, ये इतनी दफ़ा मैं रिपीट कर चुका हूँ कि मैं खुद ही बोर हो गया हूँ ये बता बता के, और अच्छा भी नहीं लगता। मैं तो पूछ भी नहीं रही हूँ, पता नहीं ये क्यों पूछ रहे हैं। अब ये बहुत ज़्यादा ये बात हो चुकी है और अच्छा भी नहीं लगता कि इंडिया की फिल्मों की बात करना कि ये हुई थी वो हुई थी। देखिए रमजान स्पेशल शो लाइफ ग्रीन है आज शाम 5 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।